गुड मॉर्निंग क्लास। आज का जैसे हम लोग फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन टू वीड्स, ठीक है। अब आज का जो लेक्चर हम लोग को पढ़ना है, वीड्स हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इफेक्ट, ठीक है। तो वीड्स का है, क्या है? वीड्स आर प्लांट दैट आर अनवांटेड इन गिवन सिचुएशन एंड मे बी हार्मफुल, डेंजरस और इकोनॉमिकली डिटर्मिनेटर। वीड्स आर सीरियस थ्रेट टू प्राइमरी प्रोडक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी। दे रिड्यूस फार्म एंड फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, डिस्प्लेस नेटिव स्पीसीज एंड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन। द कॉस्ट ऑफ वीट टू द नेचुरल इन्वायरमेंट आर ऑल्सो हाई। डिस्पाइट कंसिडरेबल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट, वीट इन्वेशन स्टिल रिप्रेजेंट अ मेजर थ्रेट टू बोथ द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ लैंड, वाटर एंड द इंटीग्रिटी ऑफ आवर नेचुरल इकोसिस्टम। वीड मैनेजमेंट क्या है? इज द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, इम्प्रूविंग द प्रोडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्रॉप। इट इंक्लूड्स मैनेजमेंट ऑफ वीड इन ए वे दैट द क्रॉप सस्टेन इट्स प्रोडक्शन पोटेंशियल विदाउट बीइंग हार्म्ड बाय द वीड्स। तो ये एक प्लांट प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसमें हम लोग इम्प्रूविंग द प्रोडक्शन ऑफ पोटेंशियल ऑफ क्रॉप, मतलब क्रॉप का पोटेंशियल को इम्प्रूव करते हैं, और वीड इन अ वे दैट क्रॉप सस्टेन प्रोडक्शन पोटेंशियल विदाउट हार्म्स। वीड मैनेजमेंट डन थ्रू मैकेनिकल, कल्चरल, केमिकल और बायोलॉजिकल कंट्रोल भी यूज करते हैं। यूज ऑफ हर्बिसाइड इज एन इम्पॉर्टेंट मेथड इन द मॉडर्न कंसेप्ट इन मच इन यूज। यूज ऑफ हर्बिसाइड इज एन इम्पॉर्टेंट मेथड इन द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ वीड टेक्नोलॉजी। करेक्टरिस्टिक ऑफ वीड, वीड्स आर ऑल्सो कैसे कैसे होते हैं? मोस्ट ऑफ द वीड स्पेशली एनुअल, ज़्यादातर वीड कैसे होते हैं? एनुअल होते हैं। प्रोड्यूस इनर्मस क्वांटिटी ऑफ सीड, वाइल्ड ओट। वाइल्ड ओट कितना? 250 सीड पर प्लांट, तो उसमें स्प्रेड का पावर कितना होगा? वेर इज वाइल्ड एमरेंथ प्रोड्यूस नियरली 11 मिलियन सीड। इट हैज़ बिन ऑब्जर्व दैट अमंग 61 पेरिनियल वीड द एवरेज सीड प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना होता है? किसी ने मुझे पूछा था कि पेरिनियल्स क्या है, एनुअल्स क्या है। एनुअल्स तो है लेकिन कितना इसमें स्प्रेड करने का ताकत तुम देख लो कितना हो रहा है, 250 पर प्लांट है। वीड्स हैव द कैपेसिटी टू विदस्टैंड एडवर्स कंडीशन इन द फील्ड बिकॉज दे कैन मॉडिफाई देयर सीड प्रोडक्शन एंड ग्रोथ अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। They can germinate under adverse soil moisture condition, have short period of plant growth, generally grow faster rate, produce seed early than most of the crop grown in. Wheat seed remain viable for long period without losing the viability. ठीक है, और ये वाइबिलिटी भी कितना रहता है? लॉन्ग रहता है। एनुअल मीडो ग्रास है, स्केल पिंपल लेन है, रिमेन वाइबल फॉर 8 ईयर्स। ठीक है, वीट सीड हैव द ट्रिमेंडस कैपेसिटी टू डिस्पर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये कैपेसिटी है वीट का कि उस एक तो वो सीड प्रोडक्शन या उसका इतना ज़्यादा एकदम अपने एक प्लांट अगर 250 सीड प्रोड्यूस कर रहा है तो 250 सीड मीन्स 250 प्लांट, तो कितना ज़्यादा उसमें डिस्पर्स करने का या परपेचुएट करने का उसमें कितना ज़्यादा प्रॉपर्टी होता है ना। तो इसी में हम लोग देखेंगे कि वीड का हार्मफुल इफेक्ट क्या है और बेनिफिशियल क्या है। हार्मफुल है कि वीड हैव सीरियस इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इट इज एस्टिमेटेड दैट वीड कॉज 5% लॉस इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्री और 10% लॉस इन डेवलप्ड कंट्री, 25% लॉस इन लिस्ट डेवलप्ड कंट्री। इन इंडिया ई लॉस ड्यू टू वीड आर मोर देन दोज फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज। Yield loss due to weed vary with the crop. Every crop is exposed to severe competition from weed. So yield loss भी है, 5% loss है, developed country में 25% loss है। ठीक है, loss कितना हो रहा है? Harmful effect. Every crop exposed to severe competition from, एक तो competition करेगा। These weeds are self-sown and provide competition caused by their faster rate of growth in initial stage. In some crop, the yield are reduced by more than 50% due to weed infestation. These losses caused by weed in some important crop are giving following to. तो देख लो loss कितना हो रहा है। Reduction in yield 33.8, reduction in yield due to weeds rice में इतना देखो 14-16, ये एक yield loss है। Weeds compete with crop फॉर सॉइल वाटर न्यूट्रिएंट लाइन, सबके लिए कॉम्पीट करेगा। फिर डिप्राइव न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट कितना डिप्राइव कर रहा है?
47%, 42%, 50%, 39%, 25%. वीट्स आर ऑल्सो एक्ट एज अल्टरनेट होस्ट. एक तो वो न्यूट्रिशन ले रहा है, वाटर ले रहा है, लॉस कर रहा है यील्ड का अलग. उसके बाद है अल्टरनेट होस्ट, हार्बर इंसेक्ट, पेस्ट डिजीज एंड अदर माइक्रो. और उसके बाद है जैसे रेड ग्राम है, वो उसका रेड ग्राम का पेस्ट है, अल्टरनेस्टो अमेरेंथस एंड धतूरा. तो अगर ये रहेगा तो पेस्ट और डिजीज भी ज़्यादा लगेगा, क्रोटल एरिया है. उसी तरह सम वीड रिलीज द सॉइल इनहिबिटर और पॉइजनस सब्सटेंस दैट मे बी हार्मफुल. कोई कोई तो पॉइजनस है जिसको एलिलोपैथिक इफेक्ट भी बोला जाता है, ठीक है. तो हे फीवर, अस्थमा, ये तो वो हो गया, ये हेल्थ प्रॉब्लम का मतलब ऐसा पॉइजनस समझा कि जैसे पॉलन ऑफ फ्रेंसेरिया, एम्ब्रोसिया, इसे अस्थमा का प्रॉब्लम. डिमोटिसिस से, पार्थिनियम से डर्मोटिस होता है. ईचिंग एंड इन्फ्लेशन ट्रिका से होता है. ब्रश वीट से स्लीपिंग सिकनेस हो जाता है. एक्वेटिक वीट लाइक पिस्टिया से मलेरिया, इंसेफेलाइटिस, फिलेरिया होता है. उसके बाद है रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ मार्केटेबल एग्रीकल्चर, वो क्वालिटी रिड्यूस करता है, ठीक है. ह्यूमन वेल्थ वीट्स हैं, नॉट ओनली रिड्यूस यील्ड बट ऑल्सो इंटर एग्रीकल्चर ऑपरेशन. मैकेनिकल सोइंग ए डिफिकल्ट प्रोसेस एंड रेंडर हार्वेस्टिंग डिफिकल्ट, लीडिंग टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन लेबर, इक्विपमेंट एंड केमिकल. एक्वेटिक फ्लो ऑफ वाटर को रोक देता है, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड ड्रेनेज सिस्टम, नेविगेशन, ठीक है. वीट आर ऑल्सो न्यूजेंस एंड फायर हैजर्ड अलोंग रेलवे, मतलब कितना जगह फायर हैजर्ड रेलवे लाइन और रोड ट्रैक में हो जाता है. तो ये तुम्हारा हो गया पूरा इसका हार्मफुल इफेक्ट. अब जैसे इसमें है बेनिफिशियल इफेक्ट क्या है इसका. इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफिकल्टीज कॉज बाय वीट, दे कैन ऑफर सम बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज. हम बेनिफिशियल भी देता, जहाँ हार्मफुल है तो वहाँ बेनिफिशियल इफेक्ट भी देता, पर्टिकुलरली वैन अकरिंग इन लोड. एंड दिस एस्पेक्ट शुड बी यूटिलाइज इन द फार्मिंग सिस्टम. थ्रू दिस मे मेक ऑर्गेनिक मैनेजमेंट मोर कॉम्प्लिकेशन देन द केमिकल बेस्ड सिस्टम. सम ऑफ द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ वीड आर लिस्टेड बिलो. हेल्पिंग टू कंजर्व सॉइल मॉइस्चर, पहला है. प्रिवेंट इरोजन, ग्राउंड कवर ऑफ वीड्स विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ बेयर सॉइल एक्सपोज, हेल्पिंग कंजर्व न्यूट्रिएंट पर्टिकुलरली नाइट्रोजन विच कुड अदरवाइज लीस्ट अवे स्पेशली ऑन लाइट. फूड एंड शेल्टर कैन प्रोवाइड नेचुरल एनिमीज ऑफ पेस्ट एंड अल्टरा, जहाँ वो अल्टरनेट ऑफ डिजीज पेस्ट का है तो नेचुरल एनिमीज के लिए एक फूड शेल्टर देता, तो उससे भी आता है. एक्चुअल प्रेजेंस ऑफ वीट कवर में भी फैक्टर इन इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड रिड्यूसिंग पेस्ट. तो पहले क्या कर रहा है, सॉइल मॉइस्चर कंजर्व कर रहा है, इरोजन कंट्रोल कर रहा है, ग्राउंड कवर क्या हो रहा है, एक्सपोज, हेल्पिंग कंजर्व न्यूट्रिएंट. उसके बाद फूड शेल्टर कैन बी प्रोवाइड नेचुरल एनिमीज को भी प्रोवाइड कर रहा है. फिर उसके बाद है वैल्यूएबल इंडिकेटर ऑफ ग्रोइंग कंडीशन इन फील्ड, फॉर एग्जाम्पल वाटर लेवल, कॉम्पैक्शन. तो ये ग्रोइंग कंडीशन मतलब एक तो वाटर लेवल, कॉम्पैक्शन, एक वीड्स उसका भी इंडिकेटर करता है कि लेवल कितना है, कॉम्पैक्शन कितना है, पीएच कितना है, ठीक है. वीड कैन बी इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर वाइल्ड लाइफ स्पेशली बर्ड, बर्ड पॉपुलेशन हैव बीन डिक्लाइन. और वाइल्ड लाइफ के लिए भी है, बर्ड के लिए भी है. लास्ट फ्यू डिकेड्स में वीड्स कैसे है, सोन हेल्प रिवाइव द बर्ड पॉपुलेशन. तो इस तरह से इसका हार्मफुल और बेनिफिशियल इफेक्ट है, जो कि जहाँ पर वो हार्मफुल कर रहा है तो वहाँ. तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक 10 मार्क्स 15 मार्क्स का क्वेश्चन है कि इंट्रोडक्शन, राइट अबाउट वीड, उसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीड एंड उसके हार्मफुल अनबेनिफिशियल इफेक्ट. ये तुम लोग का बुक सेक्शन में लेक्चर 1 में तुम लोग का ये नोट्स अपलोड है. और इसके अलावा इसमें तुम लोग को जो भी डाउट आएगा तो वो तुम लोग अभी हम लोग को फोरम में हम लोग इसको डिस्कशन जरूर करेंगे. तो आई होप इसमें तुम लोग को डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हार्मफुल और बेनिफिशियल इफेक्ट क्या क्या है, ठीक है. और अगर आता है तो फिर मैं ट्यूटोरियल है, फोरम है, सब में हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके ओके ओके, थैंक यू.